हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त हमारे साथ है हम सबके चहेते अभिनव शुक्ला। अभिनव, सबसे पहले तो क्या आपने सोचा था कि फिनाले के इतना नजदीक आने के बाद इस तरह से एविक्शन हो जाएगा? वोटिंग अगर होता तो कुछ और हो सकता था? क्या क्या कहना है आपका? देखो, गेम बाय डिजाइन ऐसी ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो तो बोलते हैं कि इस बार सीन पलटेगा। दिस इज हाउ थिंग्स आर। देयर आर शॉकिंग इविक्शंस, देयर आर मिड वीक इविक्शंस, और कोई एक ही विनर बनेगा, बाकी सब तो किसी ना किसी जरिए बाहर हो जाएंगे गेम से ना। टॉप फाइव फिनालिस्ट ना बनने का कोई गम है आपको, या आप खुश है अपनी जो जर्नी थी आपकी? एक जैसे काफी फैन फॉलोइंग आपकी रही है, लोगों को आपका गेम बहुत अच्छा लगा है, तो क्या क्या व्यूज है आपके? देखिए, इस हफ्ते सिर्फ दो लोग स्टेज तक पहुंचेंगे, बाकी सब किसी ना किसी जरिए विक्ट हो जाएंगे। सो ऑफ कोर्स मन तो था कि रूबीना और मैं खान साहब के साथ फाइनल स्टेज पर होते और वो हाथ जो ऊपर नीचे होता है वो करें, बट वो नहीं हो पाया अब। बट इट्स ओके, दैट्स द इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हमने लाइव फीड में देखा है रूबीना आपको डेली मिस करती है, तो आप कितना मिस कर रहे हो? ऑनेस्टली अभी ज्यादा मिस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ज्यादा मिस करूंगा फिर मुझे होगा कि हाँ। तो अभी आई थिंक अभी हफ्ता ही रह गया, कितना 10 दिन जो भी है। सो आई रियली वॉन्ट हर टू फोकस ऑन व्हाट शी इज डूइंग। जासमीन ने कहा कि वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहती है ना, इतना बड़ा स्टेटमेंट बिग बॉस के कारण, आपको क्या क्या कहना क्या है आप? 100 बातों की एक बात, आई डोंट नो जैस्मिन। ओके, राहुल वर्सेस रूबीना, ये कंपटीशन रहने वाला है एज पर द एंटायर पोल्स एंड एवरीथिंग, सबको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन रूबीना डे वन से टॉप में थी, पर क्या कहना है आपको राहुल वैद्य की जर्नी पे? सी, राहुल वैद्य की जर्नी शुरू में तो ऑलमोस्ट ही वॉज नॉन एग्जिस्टेंट इन द हाउस, फिर कुछ मुद्दे हुए, उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस आया। वो लॉजिक कहीं कहीं अप्लाई कर लेता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद वो ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। सो मैंने कभी उस पर फोकस ही नहीं किया कि उसकी जर्नी कैसी है, सो आई कांट कमेंट मच। ये जो गेम है, यहाँ पे लोग अक्सर देखा गया है, लोग एक दूसरे के पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, लेकिन रूबीना ने दोस्ती निभाई, निकी को टिकट टू फिनाले दे दिया, तो क्या कहना है आपका उसके ऊपर? जी, हमको डे वन से बोला गया है कि बिग बॉस अपना व्यक्तित्व दिखाने का शो है। तो रूबी ने जो किया है वो उसकी पर्सनालिटी है, उसकी दोस्तियां, उसके रिश्ते फेक नहीं होते, वो रियल होते हैं और वो निभाती है। सो वेरी गुड व्हाटएवर शी हैज डन। एंड पारस के टिकट टू फिनाले डिसीजन को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है, तो आपको क्या कहना है उसके ऊपर? देखो, मैं वहां पे था नहीं तो मुझे पता नहीं, और मैंने एपिसोड पूरा नहीं देखा, मैंने बीच बीच में से आई जस्ट सी द फीड्स व्हिच आई गेट। बट एक चीज मुझे पता है, बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी संचालक द्वारा दिया गया फैसला घर वालों के हिसाब से कभी फेयर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को लगता है फेयर, कई लोगों को हमेशा लगता है वो बायस है। सो उस पर डिबेट ही करना है। कुछ आपके फैंस के क्वेश्चन ये, सबसे पहले तो घर पे आने के बाद वो कौन सी चीज आपने खाई जिसको आप इतना टाइम से मिस कर रहे थे? मुझे कॉफी चाहिए थी, मेरे वाली कॉफी, और मुझे पेड़ पौधे पहाड़ नदी देखनी थी, जो मैं देखकर आया हूँ स्ट्रेट अवे। कौन से सदस्यों से आप हमेशा टच में रहना चाहेंगे आफ्टर बिग बॉस, जो आपके काफी करीब हो चुके हैं, और किससे नहीं? सो आई लाइक राहुल महाजन, नैना थी, फिर सारा गुरपाल, फिर शार्दुल है, शहजाद था बीच में, सो दे ऑल लाइक वो थोड़ी छाप छोड़ गए हैं, तो आई विल ट्राई गेटिंग इन टच विद देम। इनफैक्ट राहुल महाजन के तो साथ ही मैं बाहर आया हूँ। राइट, या सो आई विल बी इन टच विद देम। किससे टोटल नो नो, मतलब सामने मिल जाए तो भी भाई कौन है तू, पता नहीं। सी, जिनके साथ ऐसा है दे डोंट मैटर एनीमोर, सो क्या जरूरत है उनकी बात भी करने की। ओके, पीपल से, हां या प्लीज नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। नो नो, यू आर सेइंग समथिंग, सॉरी। No, I'm saying people से किससे नहीं करनी है, मैं ये बोलता हूँ कि look at the brighter side of life, ये सब थे, उनमें से ये लोग पसंद आए, उनसे करूँगा।
यू नो ज्योतिका ने हमें बताया कि फिनाले के लिए आप काफी कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं एंड शी इज प्लानिंग मम्मी पापा को लेकर आने वाली है, तो आपके क्या प्लान्स हैं? माय प्लान्स अभी कुछ प्लान नहीं थे, मेरे तो प्लान घर के अंदर थे। मुझे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना था, मैंने एक सरप्राइज सोचा था मैं एग्जीक्यूट करूंगा, वो अब हो नहीं पाएगा। फिर मेरा प्लान था कि हम स्टेज पर मैं और रुबीना इकट्ठे जाएं, वो भी नहीं हो पाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि वो ट्रॉफी लेकर आए और आई एम द वन स्टैंडिंग देयर टू रिसीव हर फर्स्ट जब भी वो बाहर निकले। सलमान के बारे में क्या कहना है आपको, कितना अग्री करते हैं आप उनके वीकेंड के वार के ये बोलने से जो भी फिलहाल हो रहा है उसके ऊपर? देखिए खान साहब हमें एक नजरिया देते हैं, हमें बताते हैं कि यार यहाँ पे आप गलत जा रहे हो, यहाँ आप सही जा रहे हो। सो इट इज नॉट अ डिबेट विद हिम, समझ रहे हैं आप? राइट। वो मैं कंटेस्टेंट्स के साथ गेम में हूं, उनके साथ नहीं। सो वो जो भी बोलते हैं मैं सुनता हूँ, बहुत ध्यान से सुनता हूँ और फिर उस पर अमल करता हूँ। हाँ वो गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है किसी में तभी बोलेंगे ना वो, तभी वो आपको फीडबैक देंगे, तभी आप पे टाइम स्पेंड करेंगे ज्यादा। सो आई थिंक आई टेक इट इन द राइट स्पिरिट। अगेन फैंस का ये क्वेश्चन, आपने कहा वैलेंटाइंस डे आप मनाना चाहते थे, तो पहले तो फर्स्ट एक हाइपोथेटिकली कि अगर होते तो क्या करते आप, कैसे मनाते, और सेकेंडली कि जब घर पे इवेंट शील कम बैक होपफुली विद द विनिंग ट्रॉफी, तो उसके बाद कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? देखिए वैलेंटाइन डे आई हैड प्लान्ड, अभी आई कांट टेल यू द एंटायर प्लान, बट आई हैड प्लान्ड कि मैं बाहर जो लिविंग अपना लॉन एरिया है, आई वाज प्लानिंग टू डेकोरेट इट इन द विद व्हाटएवर आई हैड इन द हाउस। ओके। एंड कुछ बनाने वाला था खाने के लिए और सरप्राइज नींद से उठा के उसे लेकर जाता बाहर, लेकिन अब वो सब पॉसिबल नहीं है, तो क्या बात करनी है उस बारे में। लेकिन जब वो जीत के वापस आएगी तब क्या प्लान्स है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तब तो धमाल करेंगे, तब तो नाचेंगे, अपने फेवरेट सॉन्ग सुनेंगे, हमें अपने फेवरेट सॉन्ग सुनने थे। मैं 130 दिन यही बोलता रहा यार मुझे मेरे वाले गाने सुनने हैं। सो वी लिसन टू म्यूजिक, वी अनवाइंड, हम शायद बाहर कहीं जाएं नेचर में, यू नो आराम से योगा करेंगे बैठ के और बातचीत करेंगे। चलिए वी विश यू लेकिन बिग ऑल बॉस द बेस्ट। डिस्कस नहीं करेंगे, एटलीस्ट हफ्ता बिग बॉस की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हो गया। Great, chalo, enjoy for that, stay blessed and we wish you all the best and let's hope for the good news and stay safe thank and thank you for being with us. Thank you, good luck. Thank you.